कि चिराग पासवान जी गए और बंद कमरा में जाकर के सुख दुख या राजनीतिक मुद्दाओं पे ही चर्चा किए, तो क्या हेना साहब लोजपा से यहाँ प्रत्याशी के रूप में होंगी? शाहबुद्दीन साहब का परिवार कुर्बानी दिया और देखे भी होंगे ना, पद के लिए वो परिवार कभी नहीं। नजीर है कि सिवान में जितने भी माननीय विधायक हैं ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ हेना साहब कहती और बाबू श्यामा को चाहते तो हम लोग MLA नहीं बना लिए होते, बना ही लिए होते। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था ना कि हेना जी अपने जो सो बेटा को लड़ा लीजिए, बाबू श्यामा को रघुनाथपुर लड़ाइए या आप ही लड़िए। लेकिन वो परिवार कितना बड़ा सैद्धांतिक परिवार, कितनी कुर्बानी रही है कि पुनः हरिशंकर यादव जी को लड़ा करके उन लोगों ने विधायक बना दिया। इसमें कहीं दो राय कि विधायक बनाने में उनका हम योगदान नहीं रहा। बिहार के शासन में बहुत बड़ा ताकत है शाहबुद्दीन साहब के परिवार का, बहुत बड़ा ताकत है। इस खबर के प्रायोजक हैं ग्लोमैक्स अस्पताल, सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस, डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सीवान। मोबाइल नंबर है 8002256300। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। वहीं डॉक्टर मंजीत रंजन जूनापुर न्यू बाईपास सिवान और डॉक्टर देवेश खान मार्केट सिवान। 9 तक बिहार। आपको बता दें कि 2024 का जो चुनाव है उसके लिए काफ़ी गहमागहमी शुरू हो चुकी है, वक्त भी बहुत कम रह गया है और तमाम जो लोग हैं नेता हैं वो अपने अपने सेटिंग में एक तरह से कहा जाए तो लगे हुए हैं। बीच खास मेहमान हैं अजय भास्कर चौहान जी, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। RJD के प्रवक्ता भी हैं और काफ़ी आजकल हेना साहब और शहाबुद्दीन परिवार के करीबी माने जाते हैं। वजह यह है कि जानकार अच्छे खासे हैं और जहाँ भी रहते हैं दिल से रहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिहार के सभी फॉलोअर्स और सभी देखने वाले चाहने वाले लोगों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। सर सीधा बात कर लेते हैं कि 2024 का चुनाव है, आपने एक बात कही थी कि संभावनाओं का बहुत बड़ा दौर है, यानी यह कि हमने आपसे ये सवाल किया था कि क्या हेना साहब लोजपा से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के आपने संभावनाओं की बात कही थी। उस संभावनाओं पे तो मोहर लगती दिख रही, चूँकि सुप्रीमो ही वहाँ पे चले हैं। नहीं, वहाँ मोहर तो अभी नहीं लगा हुआ है। इस वजह से कहना चाहते हैं कि हम बयान देखे थे, चूँकि हम उस दिन थे नहीं सिवान में, लेकिन एक डायनेमिक पर्सन और बिहार युवाओं के चहेता आदरणीय चिराग पासवान जी का पदार्पण सिवान के सरजमी देशरथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मरुख साहब के धरती पे होता है और उनका अपना राजनीतिक कार्यक्रम था। लेकिन आदरणीय चिराग पासवान जी ने बयान दिया था कि पूर्व के साहब के परिवार में जो शादी का कार्यक्रम था, बाबू और साहब के पुत्री का जो शादी था, उसमें जो है सो चिराग पासवान जी उपस्थित नहीं हो पाए थे। उसी संदर्भ में वो परिवार से मिलने गए थे, लेकिन चाहे लाख ये कह लें चिराग पासवान जी कि हम पारिवारिक मिलने गए थे, समाज उन चीज़ों को नहीं स्वीकार रही है ना। इसका वजह है कि चिराग पासवान जी एक राजनीतिक परिवार और राजनीतिक विरासत और राजनीतिक व्यक्ति हैं, और शहाबुद्दीन साहब का परिवार भी राजनीतिक पद, राजनीतिक विरासत, राजनीतिक परिवार है। तो शादी में भी अगर कोई एक दूसरे के घर में जाएगा तो राजनीतिक विषय पर तो चर्चा आवाम और जनमानस और मीडिया के साथी लोग तो कर ही देंगे ना। तो उसी क्रम में सिवान और देश और बिहार के तमाम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि चिराग पासवान जी गए और बंद कमरा में जा कर के सुख दुख या राजनीतिक मुद्दाओं पे ही चर्चा किए, तो क्या हेना साहब लोजपा से यहाँ प्रत्याशी के रूप में होंगी? कहा था कि नहीं, राजनीति संभावनाओं का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और हम लोग देखते भी आए बिहार के शासन में कि कभी एक दूसरे का कट्टर दुश्मन रहने के बाद भी आज दोस्त बने हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड। तो कौन सा मेथड कब लागू हो जाएगा राजनीति में, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आज भी हेना साहब तटस्थ हैं, हेना साहब मजबूत हैं, अपने लोगों में मिलना जुलना, अपने लोगों से संवाद स्थापित करना। अब चिराग पासवान जी का आना और लोजपा से लड़ना, ये अभी समय के गर्भ में छिपा हुआ। ये बताइए, उन्होंने कहा कि हम शादी प्रोग्राम में आए थे और ऐसी एक औपचारिक मुलाकात जिसमें नहीं पहुंच पाए थे, तो आज औपचारिक। ये राजनीति में औपचारिक कुछ होता है क्या? हमने जो जहां तक देखा है मिलने के बाद से, इसके पहले अगर बात कर ले बिहार की, तो नीतीश कुमार जब गए चूड़ा दही के दावत में, तो आने के बाद सरकार बदल गया, उनके साथ चले गए, तो ये हमेशा होता रहता है। इसको कैसे माना जा सकता है कि औपचारिक मुलाकात है? देखिए, हर वक्त राजनीति मेथड का चीज़ है, कैलकुलेशन है। समय आएगा और जहाँ जो कैलकुलेशन बैठेगा, जहाँ जो मेथड बैठेगा, जहाँ जो गुणा गणित बेहतर बैठेगा,
अगर बेहतर गुनागारित बैठने का संभावना अगर LJP से रहा तो देखा जाएगा, LJP से देखा जाएगा। देखा अगर चूंकि ये निर्णय शीर्ष का निर्णय, हम लोग कार्यकर्ता हैं, अगर अभी जहां मैडम जैसे तटस्थ हैं और उनको हम धन्यवाद ज्ञापित हर वक्त धन्यवाद ज्ञापित करते रहते हैं, जिनका इतना बड़ा कद है, जिनका इतना बड़ा ताकत है बिहार के सियासत में, बहुत बड़ा ताकत है शहाबुद्दीन साहब के परिवार का, बहुत बड़ा ताकत है, और उतना ताकतवर व्यक्ति भी इस तरीका से साइलेंट रह करके स्थितियों को देखने का जो है ना साहब काम कर रही है ना, जो भांपने का कार्य कर रही है कि अभी कौन कौन सा व्यवस्था माहौल बन रहा है, तो वैसे व्यक्ति का तो अभिनंदन हम करना चाहते हैं कि वो तो गजब की ताकतवर व्यक्ति है। उतना ताकत अगर किसी दूसरे में होता तो कब तक उल्टी पुल्टी इधर उधर आयान बयान आ गया होता। लेकिन धन्यवाद ज्ञापित करिए, उतना ताकत के बावजूद जो बिहार के सियासत में एक कदम आगे निकलेंगे तो बिहार का सियासत बदला दिखेगा, बदला हुआ दिखेगा। इसका वजह है कि उनके पास बहुत बड़ा जनता का समर्थन है, उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, उनके पास बहुत बड़ा ताकत है। तो एक सवाल ये है सर कि RJD की जब से सरकार बनी बहुत उम्मीद थी कि ये ऐसे पुराने पिलर रहे, मजबूत पिलर रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, इनको बुला लिया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा तो इनके वाइफ को कोई अच्छा सम्मानजनक पोस्ट दे दिया जाएगा। कार्यकर्ता मांगते रह गए कि भाई कम से कम वहाँ भेज दिया जाए, लेकिन राज्यसभा नहीं भेजा गया। अपनी बेटी मीसा भारती को लालू यादव ने दोबारा भेज दिया लेकिन इनको नहीं भेजा। उसके बाद से नाराज़गी का दौर भी चला, उसके बाद से फिर चिराग पासवान का आना, तो लगता है क्या कि अब भी कुछ बचा हुआ राजनीति। अपने लोगों के आवाज़ के लिए, अपने लोगों के ताकत के लिए और सिवान की आवाम, बिहार की आवाम के लिए हर वक्त वह परिवार कुर्बानी दिया है। शहाबुद्दीन साहब का परिवार कुर्बानी दिया है और देखे भी होंगे ना, पद के लिए वह परिवार कभी नहीं। नजीर है कि सिवान में जितने भी माननीय विधायक हैं, ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ हैना साहब कहती और बाबू ओसामा को चाहते तो हम लोग MLA नहीं बना लिए होते, बना ही लिए होते। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था ना कि हैना जी अपने जो सो बेटा को लड़ा लीजिए, बाबू ओसामा को रघुनाथपुर लड़ाइए या आप ही लड़िए। लेकिन वो परिवार कितना बड़ा सैद्धांतिक परिवार, कितनी कुर्बानी रही है कि पुनः हरिशंकर यादव जी को लड़ा करके उन लोगों ने विधायक बना दिया। इसमें कहीं दो राय कि विधायक बनाने में उनका हम योगदान नहीं रहा।